गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आज जो है इतना लेज़ी इंट्रो क्यों है, क्योंकि आज एक लेज़ी व्लॉग बनाने वाले हैं। तो क्योंकि मैं पिछले इतने हफ्तों से कंसिस्टेंटली व्लॉग्स बना रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इस हफ्ते ऑफ लेते हैं। कंसिस्टेंटली बाहर जा रहा था, तो सोचा कि आज थोड़ा घर पर ही टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि वीकेंड है, संडे है। तभी सोकर उठाऊं तो आज का व्लॉग मेरे जीवन का एक दिन होने वाला है। फिर देखते कैसा जाता है व्लॉग, और होपफुली वीडियो पसंद आएगी। तभी तो खैर सोकर उठाऊं और ये लेजी सा इंट्रो होने वाला है। इसके बाद अपन थोड़ा वर्कआउट वगैरह करेंगे और फिर कुछ खाने का देखेंगे, और उसके बाद दिखाता हूँ आपको दिन में क्या होता है। तो चलते हैं भाई साथ में। तो गाइस, फाइनली उठने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद अपन करते हैं वर्कआउट। इस दिन था आर्म डे या अपर बॉडी डे, कुछ भी कह लीजिए। तो मेरा जो वर्कआउट होता है वो जनरली 40 से 50 मिनट चलता है, और इस वर्कआउट को करने के बाद हम लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद खेलते हैं डोटा 2। तो गाइस, वर्कआउट हो गया ख़त्म। अब इसके बाद मैं अपने ग्राइंड पे जुटूंगा। मैं डोटा 2 का एक प्लेयर हूँ और एक कमेंटेटर भी हूँ, तो उसके लिए मुझे कंसिस्टेंटली गेम खेलना पड़ता है इसके, और मतलब इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली, और देखना पड़ता है कि गेम में क्या अपडेट्स हैं, गेम के साथ जुड़े रहना पड़ता है। तभी जब कोई टूर्नामेंट में मैं कमेंट्री करता हूँ तो मुझे पता होता है कि गेम में क्या चल रहा है, और रैंक अप या रैंक डाउन वो तो रहता ही है। आप कॉम्पिटिटिव सीन में होते हैं जब, तो मैं रैंक मैचेस खेलता हूँ, तो 4-5 घंटे खेलूँगा, तो उसका एक टाइम लैप्स डाल दूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो। बट फिलहाल अभी वर्कआउट ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा फ्रेश होकर कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर ग्राइंड शुरू करेंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मैं डोटा 2 का कमेंटेटर हूँ, उसके लिए मेरे को गेम को कंसिस्टेंटली खेलना पड़ता है, एक अच्छी रैंक मेंटेन करनी पड़ती है ताकि मुझे पता चले कि हायर लेवल पे क्या हो रहा है गेम के। और इसी वजह से मैं रोज़ ये ग्राइंड करता हूँ। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ग्राइंड इज फन, मेहनत है बट मज़ा आता है। तो गाइस, अब जो है ग्राइंड ख़त्म हो गया है, अब नीचे चलेंगे खाने पे। लेकिन खाने पे जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो डोटा 2 में मेरी जो इस वक्त रैंक है वो ये चल रही है, इसको डिवाइन 3 बोलते हैं। मतलब अपने व्यूअर्स को एक जस्ट जनरल आइडिया लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर ये बेस्ट रैंक होती है। थोड़ा पीछे हैं अपन, मतलब इधर 2 स्टार और लगेंगे तो उसके बाद फिर हम यहाँ जा सकते हैं, और फिर ऐसी रैंक लिखी आती है नीचे। थोड़ा ठीक ही है लेकिन दूर भी है, मतलब तो मेहनत लगेगी अभी। अब इसके बाद हम चलते हैं खाना खाने। तो गाइस, अब है लंच टाइम और ये चावल बनाए आज। थोड़ी सी आलू मुझे डाल दिए स्वाद के लिए। टीवी चलता हूँ, लेकिन अभी चावल खाएंगे। तो गाइस, फाइनली मेरा ग्राइंड ख़त्म हो गया है। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर और खेला अपने सेटअप पे। रात को सेटअप भी दिखाऊंगा, मतलब वीडियो ख़त्म होने से पहले। लेकिन अब बच गए हैं शाम के 5। आज है संडे, आज है आईपीएल का फाइनल। मम्मी नीचे वेट कर रही हैं, माताजी के साथ आईपीएल का फाइनल देखा जाएगा। और देखो, मैं चाय या कॉफ़ी तो पीता नहीं हूँ, तो अपन तो भाई मस्त एक दूध का ग्लास, ठंडे दूध का ग्लास एक पिएंगे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो रही है। माताजी के लिए बनाएंगे चाय और देखा जाएगा आईपीएल। आईपीएल के बाद हो सकता है एक आधी गेम में और खेलूँ, वैसे तो रात को नहीं खेलता मैं, बट अगर नहीं भी खेलूँगा तो अपना एक सेटअप टूर ज़रूर दूंगा, क्योंकि पता नहीं हाउस टूर के लिए मम्मी मानेगी कि, बट सेटअप टूर तो पक्का मिलेगा भाई इस वाले व्लॉग में। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई कर देना, और अब चलते हैं नीचे। तो भाई, कल जो है थोड़ा सा ब्रेक हो गया था रात में, क्योंकि कल मैच शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं नीचे आ गया हूँ, मैच शुरू हो गया है। फाइनल देखेंगे वीकेंड पे, चिल करेंगे, और फिर वीकेंड तो कल था, लेकिन अभी फाइनल देखते क्या होता है इसमें, और इसके बाद आपको दिखाऊंगा मेरा पीस। तो गाइस, ये देखिए एक विकेट जो है धोनी ने पीछे से इतनी क्विक ली कि मज़ा ही आ गया। और माताजी तो खाना बना रही है इस वक्त, लेकिन माताजी हैं गुजरात की तरफ और मैं हूँ धोनी की तरफ, CSK की तरफ, अपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है, बहुत जल्दी आउट हो गए सुमन भाई इस बार। रिएक्शन देख रहे हैं आप, ले भाई फुल मौज। तो गाइस, आईपीएल की सेकंड इनिंग्स रात के बज रहे हैं 1:30।
और जैसा कि आप लोगों को पता है कि CSK वर्सेस गुजरात का ये मैच, ओ भाई क्या एक्साइटमेंट है, एक छक्का पड़ चुका है, एक बॉल 4 रन चाहिए CSK को जीतने के लिए, और आपको पता है मैं CSK सपोर्टर हूँ। Come on! Chota! Oh! Jeet gaye! Come on! Oh, bhai saab! ओ भाई साहब कहाँ से जीते हैं भाई, ओ भाई साहब जी जी भाई क्या खेला है। तो भाई मैच खत्म हो गया और अब टाइम है सेटअप दिखा देगा। आप सोच रहे हैं अंधेरा क्यों है, वो भी दिखा दे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि RGB गेमर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये है मेरा कीबोर्ड। इसका नाम क्या है, इसका नाम देखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड G213 Logitech, एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। ये मेरा माइक है, ब्लू येटी, थोड़ा सा अंधेरा कर रखा था कि अच्छा लगे आप लोगों को देखने में। दो मॉनिटर्स हैं, एक LG का है अल्ट्रा गेयर 24 inches, और ये शायद छोटा है थोड़ा सा, ये पुराना है सैमसंग का 60 Hz, ये 144 Hz। इसके साथ ये मेरा माउस है, और इसके साथ ये मेरा माउस पैड, माउस पैड हाइपर एक्स क्लाउड, हेडफोन्स लॉजिटेक G402 मेरा माउस। और इसी के साथ नीचे आ गए हैं हम अपने बीस्ट पे, जो है राइजन 5 5600X 1050 Ti। मुझे पता है मेरा ग्राफिक कार्ड पुराना है, इसलिए सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो यार। इसके साथ मदरबोर्ड और 16 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क। तो दिस इज़ माई सेटअप जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ इस कोने में अपनी लाइफ के। तो होपफुली आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा होगा। और ये मेरी चेयर है जो मैं हमारे भाई निशांत नागर के साथ लेने गया था। तो होपफुली आपको मेरा ये क्यूट सा सेटअप अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई ये सेटअप कैसा लगा। और इसके साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो भाई देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे ना तभी मैं एक नया ग्राफिक कार्ड खरीद पाऊंगा, क्योंकि मेरे को नए ग्राफिक कार्ड की देखो ज़रूरत तो है ही। तो तुम्हारे लिए फ्री है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, 1K पहुँचा दो। और मैंने शॉर्ट्स डालने भी शुरू करे हैं यूट्यूब पे, तो अगर आपने अभी तक मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे तो आप वो मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स वाले एरिया में जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको मेरे व्लॉग्स के बीच में से यू नो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो होपफुली व्लॉग पसंद आया होगा, और अब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भाई CSK और फॉलोवर्स CSK के और फैंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस MS धोनी और पार्थ सैनी और चाचा साहिल शर्मा। चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय।